एमपी जीके के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं गुना जिले की। गुना जिले से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अधिकतर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। गुना जिला जो है कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, और आज हम तीसरा जो जिला हमारा है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत वो है गुना जिला। इसके साथ ही साथ ये सीमावर्ती जिला भी है, राजस्थान का सीमावर्ती जिला है, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। एमपी का सीमावर्ती जिला है राजस्थान का, यानी राजस्थान से इसकी सीमा मिलती हुई है। तो गुना जिले से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है शिवपुरी, अशोकनगर, इधर विदिशा, भोपाल और राजगढ़। इधर जो है कि उत्तर सॉरी राजस्थान लगा हुआ है। चलिए आइए हम देखते हैं। तो ये पूरा राजस्थान का क्षेत्र है, इसके बाद इधर शिवपुरी लगा हुआ है, इधर अशोकनगर लगा हुआ है, ये विदिशा लगा हुआ है, नीचे की तरफ थोड़ा कुछ क्षेत्र में भोपाल है, बाकी इधर ये राजगढ़ लगा हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की बात करें तो 6,390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गुना डिस्ट्रिक्ट या गुना जिला। संख्या जनसंख्या की बात करें तो 12,41,519 यहाँ की जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करें तो 912 जो कि लिंगानुपात है। साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो 63.2 यहाँ का साक्षरता प्रतिशत है, जिसमें साक्षरता पुरुष वर्ग की बात करें तो 74.1% साक्षरता पुरुष की है, और महिला साक्षरता की बात करें तो 51.4% महिला साक्षरता है। नगरीय निकाय की बात करें तो 25.2% जो है कि नगरीय निकाय है। ग्रामीण निकाय की बात करें तो 74.8% ग्रामीण क्षेत्र है। प्रमुख तहसीलों की बात करें तो खुद गुना, बमोरी, ये गुना है, ये बमोरी है, चचोड़ा, ये चचोरा है, चचोरा के बाद हम बात करें तो कुंभराज, राघोगढ़, और पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है ये दिग्विजय सिंह का, आरोन और मकसूदनगढ़, ये यहाँ की प्रमुख, ये मकसूदनगढ़ है, ये आरोन है, ये राघोगढ़ है, गुना है, बमोरी है। तो इस प्रकार से यहाँ की ये प्रमुख तहसीलें हैं। तहसील के बाद विकासखंड की बात करें तो विकासखंड में गुना, बमोरी, चाचोड़ा, राघोगढ़ और आरोन, ये यहाँ के विकासखंड है। धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ का बजरंगगढ़ मंदिर प्रसिद्ध है, हनुमान टेकरी प्रसिद्ध है, बीजपूजा मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है, जैन मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है। इसी के बाद इसके साथ महावीर टेकरी या महावीर टेकरी के साथ में ही पंचमुखी हनुमान आश्रम जो इसमें छूट गया है, तो पंचमुखी हनुमान आश्रम भी यहाँ का प्रसिद्ध है। मुख्य आकर्षण केंद्र की बात करें तो यहाँ पर तेजा जी का मेला लगता है, और तकरीबन 100 साल से पुराना मेला ये है, और काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है जो गुना डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और इससे संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जो है कि गुना जो जिला है इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी इसके बाद ही मालवा क्षेत्र यहाँ से लग जाता है। साथ ही साथ NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से निकलता है, और इसके पौराणिकता की बात करें तो 18वीं शताब्दी में यहाँ मराठा सेनापति रामोजीराव सिंधिया ने आधिपत्य किया था इस पर, और इसकी जो स्थापना जो की थी वो अवंती राज्य का ये हिस्सा रहा, और चंद्र प्रदत्यो महासेना ने इसकी स्थापना की थी। 1895 तक ये एक छोटा सा गांव था, और स्वतंत्रता के बाद 1948 में जो है कि इसका गठन हुआ, और मध्य भारत प्रांत के 16 जिलों में एक गुना भी था।
साथ ही साथ नवीन मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 को हुई, तो ये मध्य प्रदेश का जिला बना, यानी इसकी स्थापना 1956 में हो गई। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर पार्वती, सिंध, कुनो, चोपर और घोड़ा पछाड़ आदि नदियाँ, घोड़ा पछाड़ छोटी नदियाँ हैं, लेकिन बड़ी नदियों में पार्वती, सिंध, कुनो ये नदियाँ हैं, और छोटी नदियों में चोपर और घोड़ा पछाड़ यहाँ की हैं। साथ ही साथ पार्वती नदी के किनारे बसा गुना अपने ऐतिहासिक और सामरिक महत्व के साथ पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, और गुना के बजरंगढ़ किले की प्रसिद्धि झारखंड के रूप में भी होती है। झारखंड कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या बजरंगढ़ कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसके जो है कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे आते हैं। अन्य परिदृश्य की बात करें तो यहाँ का राघोगढ़ का किला प्रसिद्ध है। राघोगढ़ का किला पौराणिक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले पूर्व में राघोगढ़ एक रियासत थी, और लगभग 350 वर्ष पुराना ये किला है, जिसका निर्माण संभवतः खिची राजा लाल सिंह ने कराया था। तो राघोगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया, तो खिची राजा लाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। दूसरा, यहाँ की बात करें विजयपुर, विजयपुर की बात करें तो यहाँ पर विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड इकाई स्थापित है। इसके साथ ही साथ बजरंगगढ़ किला भी यहाँ पर है। तो बजरंगगढ़ किले की यदि बात करें, बजरंगगढ़ अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है, और 18वीं शताब्दी में महाराठा शासकों द्वारा काले पत्थर से इस किले का निर्माण कराया गया था। तो ये अपने आप में एक पौराणिकता इसकी है। अगली बात करें तो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान आश्रम यहाँ पर स्थापित है, और यहाँ पर यानी बहुत ही श्रद्धा भक्ति से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, और कहा जाता है कि पांच शक्तियों में से एक भगवान हनुमान की यहाँ पर है। इसके साथ ही साथ तेजा जी के मेले की हमने बात की थी, तो यहाँ ये भी आकर्षण का केंद्र लगा रहता है, जो काफ़ी पुराना मेला यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तेजा जी का मेला तो यहाँ पर आयोजित होता है। तो ये था गुना जिले की महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे आते हैं। अगला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो है अशोकनगर। अगले हम वीडियो में अशोकनगर के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, अशोकनगर का क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या, और वहाँ का जनघनत्व, और उसका जो है कि पौराणिक और धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम जल्द ही अपनी अगली वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।